नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय रात के 12:05 हो रहे हैं और आज है दीपावली। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने वाराणसी के देवनाथपुरा में, और देवनाथपुरा में ही लगा हुआ है माँ काली का पंडाल। और देखा जाए तो काफ़ी प्रसिद्ध है अपने वाराणसी का, आज मैं उसी को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूं अपने वाराणसी के गोदौलिया और सोनारपुरा वाले रोड पर, यानी कि यह जो रास्ता ये सीधे चला जाएगा गोदौलिया चौराहा के लिए, यानी गोदौलिया चौराहा होते हुए अगर सीधे जाएंगे तो मैदागिन चौराहा के लिए चले जाएंगे। और वही दाहिने साइड में बात किया है तो ये सीधे रास्ता चला जाएगा सोनारपुरा होते हुए, जो कि सामने घाट और बेस्यू के लिए। ठीक दोस्तों, और देवनाथपुरा जाने के लिए देखिए इस साइड से एक रास्ता है, जो कि सबसे पहले पड़ेगा आपका पांडे हवेली। पांडे हवेली के बाद आपका आ जाएगा देवनाथपुरा। और इसी के दाहिने साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक देखिए एक रास्ता गया हुआ है, जो कि तिल भाड़ेश्वर मंदिर के लिए चला जाएगा। ये देख रहे हैं सामने जो कि एक शिलापट है, यानी कि ये जो गली है तिल भाड़ेश्वर मंदिर के लिए चला जाएगा। और यह जो रास्ता है यह चला जाएगा देवनाथपुरा के लिए, यानी कि सबसे पहले पांडे हवेली पड़ेगा, पांडे हवेली के बाद आएगा देवनाथपुरा। हालांकि देखा जाए तो ये गली के माध्यम से आपको जाना होगा। ठीक दोस्तों ये देख रहे हैं गली, यानी कि ये देखा जाए जो देवनाथपुरा जो स्थित है ये पूरा गली में स्थित है। तो ये देखिए जाने के लिए देखिए यही रास्ता है गली के माध्यम से होते हुए, यानी कि इस साइड से जाने के बाद आपको बाएँ साइड में मुड़ना होगा। ये जो गली जा रहा है ये देखिए, ये सीधे जाएगा गली। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वंडर स्टेशन हॉस्टल। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये है देखिए सगरा गली अपने वाराणसी का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए पूरा लतर लगा हुआ है, झालर लगा हुआ है, यानी कि ये इसलिए सजाया गया है, गलियों को सजाया गया है कि यानी कि आप देवनाथपुरा में काली मंदिर भी है, और काली मंदिर के ही ठीक बगल में है काली जी का पंडाल बना हुआ है। वहाँ पर भी काफ़ी विशाल प्रतिमा है काली जी का और काफ़ी प्रसिद्ध है अपने वाराणसी का। तो चलिए आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं सामने एक शिलापट है, और वहाँ पर जाने के लिए देखिए इस साइड से जाना होगा। ये देख रहे हैं भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये रात के 12:05 हो रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इस समय भीड़ है। इस साइड देख रहे हैं, इस साइड काली मंदिर है। ये देखिए दर्शन करने के लिए काफी जबरदस्त भीड़ लगा हुआ है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं उस साइड जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक शिलापट है जिस पे लिखा हुआ है प्राचीन शिव मंदिर देवनाथपुरा वाराणसी। तो चलिए इस तरह चलते हैं, सामने मंदिर था तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उस समय चप्पल ही पहना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक सीढ़ी बना हुआ है, तो सीढ़ी पर चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नौ संघ लिखा हुआ है, और नौ संघ सांस्कृतिक समिति देवनाथपुरा वाराणसी उत्तर प्रदेश। और इस साइड ये देख रहे हैं काली जी का काफ़ी विशाल प्रतिमा है। तो
और ये है रात 12:10 का नज़ारा कुछ इस प्रकार। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन आप पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।